बताइए ना, रिस्ट्रक्चरिंग की है मॉरेटोरियम हटा के रिस्ट्रक्चरिंग। वो तो आप बताओ, भगवान विष्णु के अवतार है ना, सारा कुछ इन्हीं को पता है। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग, और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब हमारी घिग्गी बंद के बारे में कहा गया? हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? इन सबको चांदनी चौक पर बेचने वाले कपड़े सब चले आ रहे हैं, राजनीतिक बहस हो रही है। अरे काहे के लिए गुस्सा, क्यों बीच में बोलते हो? अरे क्यों बीच में बोलते हो? लग रहा था आपको अभी पता चलेगा, गौमूत्र का सेवन पूरे समय जब आप बोलेंगी तो मैं भी बोल सकता हूं, दिमाग में भी गोबर ही भर गया है। हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में किसी ना किसी मुद्दे पर रोज डिबेट होती ही है, और इन डिबेट्स में सरकार की नुमाइंदी ज्यादातर करते हुए हमें संबित पात्रा दिखाई देते हैं। वह डिबेट में अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती, और एंकर भी कई बार संबित का साथ ही देते दिखाई देते हैं। पर ऐसे भी कुछ मौके आए हैं कि विपक्ष ने संबित को डिबेट में परेशान कर दिया हो। आज हम उन्हीं कुछ डिबेट्स की बात करेंगे। आज तक पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हुए सर्वे के बारे में डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने संबित पात्रा से इकोनॉमी पर सवाल किए, जिसमें संबित ने रीस्ट्रक्चरिंग शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर गौरव वल्लभ ने संबित से इसका मतलब पूछा, तब संबित बौखला गए। आज जब रिजर्व बैंक थोड़ा सा कह दे कि हाँ मूड में इकोनॉमी को लेकर, और रिजर्व बैंक ही उसको ठीक कर रही है, सरकार ही उसको ठीक कर रही है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसने दिया है? आज रिजर्व बैंक के को है, आज जो हेडलाइंस रिजर्व बैंक को लेकर छपा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, किस प्रकार से सारे लोग, क्योंकि मोरेटोरियम समाप्त हो रहा है, लोन को रीस्ट्रक्चर कर सके ताकि वो सकुशल आगे बढ़ सके। रोहित जी, संबित जी ने कहा रीस्ट्रक्चरिंग की है। संबित जी, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती जरा बताना, बताइए ना, रीस्ट्रक्चरिंग की है मॉरेटोरियम हटा के रीस्ट्रक्चरिंग। वो तो आप बताओ ना, भगवान विष्णु के अवतार है ना, सारा कुछ इन्हीं को पता है ना, ये किसको बुलाया? मैंने तो बोला ही नहीं क्या होता है, आपकी थाली लाल होनी क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है राहुल गांधी के बाल को काट के उसका स्ट्रक्चर बदल देना। देखिए आपने ये आपने ये इनका मतलब क्या होता है? चलिए चलिए रोहित जी, मेरा किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं है, पूरे देश को पता है किसको क्या आता है और किसका क्या ज्ञान है। इन्होंने कहा कि हमने ये किया, इसलिए मैंने पूछा। राम मंदिर भूमि पूजन में दलित को ना बुलाने पर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने संबित से दलित को ना बुलाने पर सवाल किए, जिस पर संबित सवालों से भागते दिखाई दिए। ये बहुत लंबी फहरिस्त है, आप इसको मानते हैं? आपने पूरी उस देश का नहीं। सो एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैंने आपको पूरा पढ़ने दिया ना, पर मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो, सवाल ये पूछा जाए दलितों के बारे में, आरएसएस की क्या पड़ेगा? संदीप जी आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मेरे देश में हिंदुस्तान में बैठ के अभी कहा गया हिंदू धर्म को लात मार दिया जाएगा। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग, और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब हमारी घिग्गी बंद के बारे में कहा गया? हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूँ आपकी बात। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप सुनिए ना, मैं सभी किसी सवाल से नहीं भागूंगा साहब। मोदी जी के मुद्दे पर आज तक पर हुई डिबेट में एंकर ने सीपीआई नेता से सवाल किए। सीपीआई नेता जब जवाब देने लगे तो संबित ने बार बार बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिस वजह से वह संबित पर बरस पड़े। अरे भाई, काहे के लिए बौखला रहे हो मदारी की तरह? हम कहा बताइए, राजनीतिक पार्टी है या आरएसएस है? गुस्सा क्यों है? नाक पे गुस्सा क्यों रखते हैं? ये चांदनी चौक के जमात है क्या? आप बताइए, नाक पे गुस्सा क्यों रख के बैठे रहते हैं? मतलब आप अभी बोल रहे थे कि जो है जो है जो है सो है, पेपर में लिखा है, हमने पूछ लिया क्या लिखा है तो गुस्सा गए। स्मृति ईरानी बोलती है, अरे बंद करो ये धंधा, हो गया धंधा, अब छोड़ो यार, जसोदा बाई की बात छोड़ो, अब आगे आगे आइए, क्या कह रहे हैं आप? अरे आप छोड़िए, जाने दीजिए, ठंडे पानी तो पिलाइए पहले। नहीं, आप अखबार का जिक्र कर रहे हैं ना, इन सबको चांदनी चौक पर बेचने वाले कपड़े सब चले आ रहे हैं, राजनीतिक बहस हो रही है। अरे काहे गुस्सा कर रहे हैं चांदनी चौक पर बैठने वाले, जैसे आप कर रहे हैं, अच्छे लोग चांदनी चौक पर बैठने वाले, की एकता बढ़ती जाएगी। अरे काहे के लिए गुस्सा, क्यों बीच में बोलते हो? अरे क्यों बीच में बोलते हो? क्यों बीच में बोलते हैं सर? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर, डिस्टर्ब करके आप हमको डिस्टर्ब करना चाहेंगे? शांति शांति। न्यूज 18 पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। संबित पात्रा ने अपने जवाब में मुस्लिम को लेकर कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद डिबेट में मौजूद मेहमान ने संबित पर भड़कना शुरू कर दिया और उनकी गलत बयानों पर उनको टोका।
हगिया रुदाली, हगिया रुदाली, आप इनको हगिया रुदाली कह के कहिए। ओके यास्मीन फारूकी, कल आपने एक बड़ा बयान दिया कि वो हगिया काली कैसे हो गया। अच्छा इनकी इनकी तकरीर सुन आप कल जो आतंकवादी, नहीं नहीं कल आप हमें आतंकवादी कह के गई थी तो आप कल हमें आतंकवादी कहने आई थी मैडम? नहीं मैडम बिल्कुल, आप तो सुनना पड़ेगा। आज भी कह रही हूँ समित जी, आपको नहीं बताइए। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, ये जरा आतंकवादी किसको कह रही है मैं सुनना चाहूंगा। मैं सुनना चाहूंगा कि ये मैडम किसको आतंकवादी कह रही है, जरा खुल के बताए किसको आतंकवादी कह रही है। सुनने में यहाँ नहीं बैठी हूँ और आपकी गालियाँ सुनने में यहाँ। तो किसने बैठी है आप? तो आप इराक की प्रेसिडेंट है? नहीं नहीं आप इराक की प्रेसिडेंट है, डिबेट में क्यों आई है? वन टू वन चाहती थी तो जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी वो कानून की बातें करेंगे, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने लाखों लाशें बिठवाई थी, जिन्होंने दंगे करवाए थे वो लोग बोलेंगे। आज तक पर प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर हुए सर्वे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित ने कांग्रेस पर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने अपने जवाब में सरकार की नाकामियों पर बात करनी शुरू की, जिस पर संबित परेशान दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता पूरे विरोधाभास का एक प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ दे रहे हैं। एक तरफ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बर्नौल भेज रहे हैं, निम्न स्तरीय डिबेट। हाँ तो मैं भेजूंगा, कोई नहीं, मैं वो भेजूंगा, वो जलन जहाँ होती है वहाँ लगाना होता है। राहुल जी को दीजिए, आप भेज दीजिए, भेज दीजिए। मानसिक स्तर तो बड़ा है, 2024 में निकम्मा नकारा धोखेबाज गद्दार तो आपके यहाँ है और हमारा मानसिक स्तर खराब है। आप बौखला लीजिए, आप फड़फड़ा लीजिए, केवल हाँ। यही पता चलता है कि नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल बौखलाता हूँ। आप जब थोड़ी देर पहले मुझे बोलने नहीं दे रही थी ना, तो कैसे लग रहा था आपको अभी पता चलेगा? क्योंकि पूरे समय जब आप बोलेंगी तो मैं भी बोल सकता हूँ, ये भी पता होना चाहिए। और वही आपके मुंह से भी बाहर निकल रहा है। बिल्कुल गोमूत्र का सेवन करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, पढ़कर आइए, बिल्कुल तैयारी करके आइए। हिंदू धर्म को भी चाहते हैं, भारत वर्ष को भी चाहते हैं, भारत के इतिहास से भी प्यार करते हैं, आपको तो केवल इटली से प्यार है, महिलाओं पर हो रहा अत्याचार है। ये तो थे कुछ डिबेट्स जिनमें विपक्षी नेताओं ने संबित को अपने सवालों से या सरकार पर टिप्पणी से परेशान किया हो। वैसे संबित पात्रा कम ही मौकों पर विपक्ष को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि विपक्षी नेता और मीडिया इसी तरह से सरकार के नुमाइंदों से सवाल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।